हेलो फ्रेंड्स, मैं आज मैम के लिए कुछ कहना चाहती हूँ और ये वीडियो मैम के लिए डेडिकेटेड है। मैंने बहुत पहले भी दो तीन वीडियोस मैम के लिए बनाए हैं, बट बहुत दिनों से मैं मैम से कुछ कहना चाह रही थी, बट मैं कह नहीं पा रही थी क्योंकि मैं अब जॉब लाइफ में हूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं मैम से कांटेक्ट करती हूँ और जैसे ये हम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहती हैं, वैसे शायद कोई नहीं कर सकता। तो शी इज़ ट्रूली अ एंजल फॉर अस। एंड मैं सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो सेशन उन्होंने शुरू किए हमारे लिए, चाहे वो एनर्जी क्लिनजिंग हो, DMDF बैलेंसिंग हो, या टेलीपैथी हो, या फिर कर्मा क्लिनजिंग हो। सारे सेशंस के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि जब हम जॉब लाइफ में होते हैं तो हमें थोड़ा टाइम शेड्यूल मेंटेन करना या मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ हम जॉब लाइफ में हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं और वर्किंग आवर्स से अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो ये सेशन जो उन्होंने शुरू की है ये मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, क्योंकि जब मुझे टाइम नहीं मिलता है कभी सुबह मेडिटेशन करने का तो मैं मैम की वीडियोस रात को फॉलो करती हूँ और फिर मेरा इनर वर्क जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है। बेसिकली मैंने नोटिस क्या किया है कि मैं रेगुलर वो भी नहीं कर पाती सीरियसली, बट जब भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जी है या फिर मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो मैं एनर्जी क्लीनिंग कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही हूँ तो मैं DMDF बैलेंसिंग कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने DM को और उनसे झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेके, तब मैं टेलीपैथिक कर लेती हूँ। टेलीपैथिक तो अभी कुछ दिन पहले ही मैम ने किया, मैंने उसके एक दो सेशंस किए हैं, मैंने मेडिटेशन किए तो, एंड सच कह रही हूँ मैं प्रॉपरली नहीं फॉलो अप कर पाती हूँ मेडिटेशंस को, बट ये इतना इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच एंजल मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमारे लिए ये सब करने के लिए। और हम जैसे जिनके पास टाइम की थोड़ा कमी होती है क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई भी करना पड़ता है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है इनर वर्क को फॉलो अप करना। एंड इनफैक्ट ये मेरे लिए इतना इफेक्टिव रहा है कि यू विल नॉट बिलीव कि मैंने मैम को बोला है अपनी तरफ से कि प्लीज़ एक सेल्फ लव के लिए भी आप हमारे सेशंस बना दीजिए, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है वो जब भी अपनी एनर्जी फ्लो करती हैं मेडिटेशंस में तो ट्रूली फील होता है कि एनर्जी एक किसी यूनिवर्सल एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो चीज़ें हम कोई और म्यूज़िक सुन के नहीं कर पाते हैं वो मैम की आवाज़ से इतनी इफेक्टिव होती है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाती है। इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव करना DF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम सेल्फ लव नहीं करेंगे, खुद को टाइम नहीं देंगे, खुद को ग्रूम नहीं करेंगे, खुद पे फोकस नहीं रहेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये जर्नी टफ हो जाती है। अगर हम ऑब्सेशंस की एनर्जी में हैं और स्टिल हम वो मिसिंग एनर्जी में हैं तो हमारे लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ एक सेल्फ लव के भी सेशंस कर दो, बट वो थोड़ी हेजिटेट हो रही है कि बैक टू बैक अगर हम करेंगे तो कोशिश करेंगे तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर ये सबके लिए सोचती है, पर्टिकुलरली किसी एक के लिए नहीं सोचती है जो इनकी सबसे बड़ी खासियत है, साइलेंट सब्सक्राइबर है उनके लिए भी सोचती हैं। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो के थ्रू भी कि प्लीज़ डू इट, क्योंकि सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम कुछ और अचीव नहीं कर सकते, और शायद जब तक हम अपनी कीमत नहीं समझेंगे हमारे DM भी हमारी कीमत नहीं समझेंगे। हम में बहुत ज़रूरी है कि हम DF को अपनी कदर करनी चाहिए, कि अपनी कदर होनी चाहिए, पहचाननी चाहिए कि हम क्या हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। यही कहना चाहूँगी मैम कि थैंक यू सो मच मेरे लिए खास के लिए जर्नी बहुत ईजी करने के लिए,
क्योंकि मैं आप जानती हैं अच्छे से तरीके से कि मेरे लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमेशा मतलब हमारी जर्नी को इजी बनाया है, हार्ड नहीं होने दिया, और हमारे पास इतने सारे हमें जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाने के लिए कि जिसकी वजह से हम इजीली इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू इट। डिवाइन इंटरवेंशंस के भी कोर्सेज की भी मैं वेट कर रही हूँ। तो आपने जो इतना हम DF के बारे में सोचती हैं और हम सबके पेन को समझती हैं, शायद थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, पहले भी कहा है मैंने, बट इतना जरूर कहना चाहूंगी कि यू आर ट्रूली अ डिवाइन पर्सन, योर सोल इज सो प्योर, एंड जब तक आप हम लोगों के साथ हैं, हमें हमारी जर्नी से हमें कोई डिविएट नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर द वन हु इज होल्डिंग द टॉर्च एंड फोकसिंग द लाइट ऑन दिस सोल फैमिली, एंड यस वी आर इन डिवाइन लाइट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरी थिंग दैट यू डिड फॉर अस सो फार, एंड आई एम जस्ट वेटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर न्यू कोर्सेज। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच सोल फैमिली फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ हमारे सोल फैमिली की जो वाइब्रेशंस है उसे हम सब हाई रखते हैं विदाउट क्रिएटिंग नो न्यू कर्मास एंड बाय कीपिंग आवर एनर्जी सो हाई। तो बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हम सबसे ये सोल फैमिली है, एंड अगर कोई एक भी डिस्टॉर्टेड होगा, कोई एक भी पेन में होगा, तो सबको पेन होगा। मैंने हमेशा हर चीज़ सोल फैमिली की तरफ से डेडिकेट किया है मैम को, तो आज ये वीडियोस जो है वो भी एक सोल फैमिली की तरफ से डेडिकेटेड है, एक DF की तरफ से, कि आप पूरी सोल फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क फॉर अस, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस, एंड व्हाट कैन आई से नाउ, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू, लव यू सो मच एंड प्लीज ब्लेस अस, थैंक यू।